अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल मजूद बस। हम तो कैसे हम सब उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। सो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद मुझे याद आया कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है और उस पर मैंने वीडियोस अपलोड करनी होती हैं, तो याद तो आ गया। तो ये जो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये आवाज़ जो है पीछे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आती रहती है, तो इसे अवॉइड करें। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ अपने चूज़ों की तरफ, तो थोड़ी सी चेक करें, उसके बाद चाय बनाते हैं। तो फाइनली जैसे ही मैं अपना डोर खोलूँगा, क्योंकि मेरे कमरे की बैक साइड पर हैं, तो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे कि क्योंकि ये चेक करें, एक मिनट के अंदर अंदर मैं सबको इकट्ठा कर सकता हूँ। ये कुछ ऐसा सीन है ना कि दिन को मैं 10-11 के बाद इन्हें खाना नहीं डालता, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि फिर शाम को मुझसे कवर अप नहीं होते हैं, तो इसी वजह से मैंने खाना नहीं डालता। और इस वक्त इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ना, मुझे पता है, तो बस यही दिखाना था। इस वक्त इन्होंने बस वो कहते हैं ना कि मेरा पीछा करना होता है और मुझे ढूँढना होता है। जूँ ही मैं अपने कमरे की लाइट ऑन करूँ वगैरह, तो ये मेरे पीछे आ जाते हैं, बस यही था। सो फाइनली मैं भी चाय बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो चाय के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बना लेते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो वैसे तो घर वाली चाय बनाते हैं, आज मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना था। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता, काफ़ी टाइम वो कहते हैं ना कि जब कभी कोई घर में ना हो तो बनानी पड़ती है, और बना भी लेता हूँ। तो मेरी चाय नीचे पड़ी हुई है, सही है। तो चाय मेरी लाइफ में ऐसी है जैसे कि इंसान बिना कपड़ों के हो। शाम को अगर मैं ना पीऊँ तो सोच भी नहीं सकते कि मेरे मन में क्या हो जाता है। बचपन से ही आदत है मेरी कि शाम को मैंने चाय पीनी है, सुबह और शाम को। ज़्यादातर मेरे घर वाले सुबह जूस वगैरह पी रहे होते हैं, तो मुझे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, तू क्या मैं, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है चाय पीकर। तो इसी वजह से हम चाय में अच्छे हैं, हमें कुछ होनी चाहिए। हमें वो कहते हैं ना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो ना, जूस और चाय की, तो इससे ज़्यादा भी ऑप्शन हो तो मैं चाय ही डिसाइड करूँगा, क्योंकि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे चाहिए चाय। चाय का व्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये मेरे पार्ट का हिस्सा है, ये मेरी लाइफ के साथ साथ चल रही है, तो मैंने कहा कि इसका व्लॉग भी बनाना चाहिए। पीछे पौधे वगैरह लगे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे पार्ट का हिस्सा है, जिसकी वजह से मैं अपने पार्ट के वो कहते हैं ना, जो भी मेरे नज़दीक चीज़ें हैं उनके व्लॉग मैं ना बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसी वजह से ये ज़रूरी था। और बात रही व्लॉग्स की, व्लॉग्स मैं बनाता क्यों हूँ, आखिर क्या वजह है। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर लाइफ ने मुझे कभी बूढ़ा होने का मौका दिया, तो मैंने अपनी जवानी में या मैंने अपने बचपन से मैंने क्या किया, मैंने अपने बचपन में। ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता, तो इसी वजह से मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद और मेरी इंस्पिरेशन वगैरह कौन था या कौन है, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं इस बारे में भी, तो बताऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो व्लॉग्स इसी वजह से बनाता हूँ मैं। और बात रही मेरे लेट व्लॉग्स बनाने की, तो ये मुझ में बहुत बड़ी हामी है, यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 20 दिन लगातार अलार्म लगा रहा हूँ मॉर्निंग व्लॉग्स बनाने के लिए, बट उसके 1 घंटे के बाद मैं उठ जाता हूँ, लेकिन जब मेरा 5:30 उठने का टाइम होता है मैं नहीं उठ पाता, मुझ में वो हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि मुझे वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, क्योंकि
इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताता, जो लोग कहते हैं कि नहीं बताता, मैं बताता हूँ। अगली वीडियोस में आप यही देखकर कहते हैं कि भाई कुछ नहीं बताता, बताते हैं हम किस लिए हैं, इसीलिए हैं। तो व्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसा ही है। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अभी मॉर्निंग के व्लॉग्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, उन्हें ज़रूर देखना।